हेलो क्रिकेटर्स, आज मैं आपके लिए बास क्रिकेट बैग बास का एक रिव्यू लेके आया हूँ। मेरे एक सब्सक्राइबर थे जो काफ़ी टाइम से मुझसे बास वैम्पायर बैग पे रिव्यू के लिए बोल रहे थे। सो फ्रेंड्स, अब इस बैग को देखते हैं इसमें क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। फर्स्ट दोस्तों, इसका जो कपड़ा है कॉल्ड का है, इसमें शाइनिंग काफ़ी अच्छी होती है और काफ़ी मजबूत बैग होता है। आपको इसकी हाइट बता दूँ तो ये अब तक का सबसे बड़ा बैग है। इसकी हाइट 40 इंच होती है। अपना NBA कोको बोरा वगैरह जो बैग होते हैं वो 36 इंच के होते हैं। 40 इंच का बैग है। और अभी हम इसकी क्वालिटी की बात करते हैं तो सबसे पहले हम इसकी साइड पॉकेट पे आते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसकी साइड पॉकेट काफ़ी मोटी पैडिंग है, बहुत मोटी पैडिंग दे रखी है। और इसकी साइड पॉकेट के अंदर आप यहाँ एक जेब देखिए, और इस जेब के बाद एक और पॉकेट आती है नीचे, यहाँ पे भी इसकी एक पॉकेट है। ये तो इसके यहाँ पे दो पॉकेट है नीचे दोस्तों। यहाँ पे शू के हुए आप शूज वगैरह आराम से कैरी कर सकते हैं इसके अंदर। एक पॉकेट मैंने इस साइड दिखाई थी, सेम पॉकेट इस साइड भी है। एक पॉकेट भी है पॉकेट के अंदर एक पॉकेट है। तो इसके अंदर टोटल 3 पॉकेट दे रहे हैं, 3 पॉकेट हो रहे हैं। और अभी हम ये यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक SG की बॉल लग रखी है। ये जो पॉकेट है आप इसमें चाहे तो कुछ और भी रख सकते हैं। यहाँ पे भी बहुत ज्यादा मोटी पैडिंग दे रखी है। ये जो ऊपर का पॉकेट है इसमें मैंने हेलमेट रख रखा है। हेलमेट बहुत ही आराम से आ जाता है, काफी बड़ा बैग है। और इसमें आपको ग्रिल निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ग्रिल के साथ आप हेलमेट रख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों एक साइड पॉकेट, ये देखिए साइड पॉकेट है, इसमें मैंने बैट रख रखा है। अभी इस चैन को बंद करते हैं। अब इधर आते हैं दोस्तों, इधर भी एक साइड पॉकेट है, इसके अंदर ही मैंने बैट रख रखा है। तो दोस्तों साइड में आप दो बैट रख सकते हैं। और अभी इसके पीछे की साइड आते हैं, ये इसके व्हील को कैरी करने के लिए काफी मोटा फाइबर का ही कुछ लगा रखा है। बैक साइड देखते हैं दोस्तों, बैक साइड आपकी 2 पॉकेट है बैट रखने की, ये और ये, अलग अलग कंपार्टमेंट बना हुआ है दोस्तों बैट रखने का। ये देखिए। और फ्रेंड्स अभी हम यहाँ पे आते हैं, इसकी बेल्ट देखिए, बेल्ट काफी मोटी बेल्ट है। ये देखिए, इसको आप इस तरीके से भी बांध सकते हैं। इससे ज्यादा हैवी पैडिंग किसी भी बैग में नहीं मिलेगी। अब आप चाहें तो इसको, इसकी जो बेल्ट है इसको अंदर की साइड करके, कोई एक्स्ट्रा सामान है, ये देखिए कितनी बड़ी पॉकेट हो गई, पूरे बैग के बराबर पॉकेट है। जाली है, जाली के अंदर निटलॉन लगी है जिससे काफी मोटी हो गई है। साइड साइड में पाइपिंग कर रखी है जिससे कि ना तो फटे ना निकले। अगर आपको टोटल व्हील बनाना है दोस्तों, ये देखिए इसके व्हील कितने मोटे व्हील है, काफी बड़े व्हील है इसके, बहुत बड़ी पॉकेट है। नीचे फाइबर लगी हुई है, आप चाहें तो इसको इसके अंदर भी कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, पता भी नहीं लग रहा कि पीछे की साइड बेल्ट हो। आप उसे निकालना चाहें तो निकाल दीजिए, काफी बड़ा बैग है दोस्तों।
तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसी कलर में, इसी साइज में कुछ बंदों ने सस्ते वाले बैग निकाल रखे हैं जो फट जाते हैं या उनकी सिलाई वगैरह खुल जाती है। इसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बैग मार्केट में आपको सस्ते मिल जाते हैं, बट उसमें दिक्कत आती है, कंप्लेन आती है। इसकी बैग काफ़ी हैवी है, सिलाई वगैरह बहुत अच्छी लगी हुई है, ये देखिए। और इसके अंदर अंदर की साइड फाइबर डाल रखी है, इसका जो मेन पोर्शन है वो क्लियर। पैडिंग बहुत मोटी पैडिंग दे रखी है, कपड़ा वाटर प्रूफ है। दोस्तों इसके अंदर अभी और भी आपका सामान आ सकता है, दो पेयर पैड है वो भी मैंने जल्दी में डाल दिए। अगर आप तो सही तरीके से लगाएंगे तो इसमें आपका बैट वगैरह तो हो गया, हेलमेट का अलग हो गया, इसमें आपका कीपर पैड भी आ जाएगा आप रखना चाहेंगे तो। ग्लव्स वगैरह ऊपर आ जाएगा, हेलमेट का अलग बना हुआ है, शूज का अलग कंपार्टमेंट बना हुआ है, चार बैट रख सकती है दोस्तों। ग्लव्स ये देखिए दो पेयर मैंने ऑलरेडी डाल दी, आप चाहो तो इसके अंदर और भी सामान डाल सकते हो। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा ये पूरा का पूरा बैग, फुल बैग डबल हैवी पैडिंग में बना हुआ है, बहुत मोटी पैडिंग है। और अभी मैं आपको बैग का एक्चुअल साइज भी दिखाता हूँ, आप इस बैग का साइज देखिए। और इसके नीचे से दोस्तों आप व्हील देखिए, ट्रैक्टर व्हील है, काफी बड़े व्हील है, ये देखिए बहुत बड़े बड़े व्हील दे रखे हैं। ये व्हील बड़े इसी तरह रखे हैं जिससे कि इसको ट्रॉली बनाते टाइम नीचे की साइड से ये पोर्शन जमीन पे ना लगे, ना ये कटे ना ये फटे। बेल्ट की बात करें, बेल्ट बहुत मजबूत है, बैग के हिसाब से ही बेल्ट की भी मजबूती दे रखी है। और दोस्तों ये बैग बहुत ही शानदार बैग है, चैन की बात करी जाए चैन बहुत अच्छी क्वालिटी की लगी हुई है, चैन में आपको कोई भी कंप्लेंट पूरे बैग में किसी भी तरीके कोई कंप्लेंट नहीं मिलेगी आपको। तो दोस्तों जितना मुझे इस बैग के बारे में था मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, कुछ चीज़ें होती हैं जो इनसे छूट जाती है बताने के लिए, वो जब बैग आप परचेज करोगे आपको खुद दिखाई दे जाएगा। तो दोस्तों कैसे लगा आपको ये बास वैम्पायर का बैग? दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें ब्लू कलर भी है और इसमें ब्लैक कलर भी है, हमारे पास दो कलर अवेलेबल है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये बास वैम्पायर का बैग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। और जिन्होंने मेरे चैनल आरके स्पोर्ट्स आशीष को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।